तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट को खेलने, और आज का हम मिशन पार करेंगे बैक अलेब्रेबल। और यार, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हमें केन के ऑफिस पे जाना है, और ये कितना गंदा गाड़ी चला रहा है। अरे क्या भाई, कैसी बदमाशी कर रहा है हमसे। बदमाशी अभी बताता हूँ उसको। अरे 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 अरे, गजब का गाड़ी चला रहा है ये कोई क्रिमिनल है क्या। दो मिनट, हाँ, ये कोई क्रिमिनल ही है, अभी बताता हूँ उसे। मेरे पास गन होती तो अब तक मैंने इसे ड्राइव बाई करके मार दिया होता, लेकिन अभी गन तो है नहीं, तो चलिए ऐसे ही कुछ करते हैं जुगाड़। और ये देखिए, पोल वगैरह सब तोड़ते हुए जा रहा है ये। अब बस लास्ट चांस है, इस बार तो इसे गिरा ही के बनूंगा। मेरे पास कोई कार होता तो अब तक तो ठोक दिया था। बस गए सारे, अभी से बताता हूँ। अरे भाई, ही आजकल लड़कियाँ भी हो गई हैं क्या। ओहो, ये कहाँ गायब हो गया। सिर्फ यार, ये ग्लिच इतना गंदा होता है। खैर छोड़। और ये जो आगे जा रहा है, इसी ने मारा था क्या गाड़ी पे टक्कर। रुको रुको, देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ये होता तो अब तक हमें सिटीजन बोनस मिल गया होता। तो चलिए चलते हैं हम ऑफिस की तरफ। और कोई मतलब तो है नहीं रुकने का, क्योंकि आज की स्टोरी भी वैसी होने वाली है। आज हमसे लंच मिलने वाला है क्योंकि। और यार, रैंप है आगे। मैं जब भी रैंप देखता हूँ ना, कसम से मन खुश हो जाता है। चलो एक बार देखते हैं, हो सकता है कुछ पैसे भी बन जाए। अरे यार, स्टंट वगैरह तो चलते ही रहते हैं। तो 100 रुपये रिवार्ड मिल गया। और वाह, इस साइड एक और रैंप है। तो आइए फिर से एक बार रैंप पे उछाल लेते हैं। वैसे भी उस पार जाने के लिए बाई रोड जाने से अच्छा कि रैंप से उछाल ले, जल्दी पहुंच जाएंगे थोड़ा। तो 100 रुपये वो मिले। और वाह, इस बार तो लग रहा है कि 100 से ज़्यादा मिलेंगे भाई। ये देखिए, हमें टिकटॉक वाला 200 मिल गया। 300 रुपये की प्रॉफिट है हमारे टिकटॉक। सॉरी सॉरी। चलिए अब चलते हैं किन के पास। और यार, किन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं कि इतना डर गया यार। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट उसे तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। जैसे कि मतलब इतना क्या डर लगा यार, आएंगे तो उन्हें भी देख लूँगा। बट खैर, चलिए ऑफिस आ गया है, और चलते हैं अब ऑफिस में अंदर, देखते हैं क्या बातें हैं। अरे टॉमी, आओ आओ आओ, कुछ पता चला यार। दिमाग खराब हो गया एकदम। अबे यहाँ और गुंडे हैं, हमें और लोगों का जरूरत पड़ेगा। अच्छा रुको, सोचता हूँ। अच्छा, एक लड़का है, सिंगर है, उसका नाम है केंट पॉल। पता नहीं कैसे, बट वो वाइस सिटी के सारे गुंडों और उनके हाथों को जानता है, तो वो कुछ बता सकता है तुमको। और इसे मिलावो क्लब में मिल जाएगा। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं उससे मिल के आता हूँ। उससे जरा प्यार से बात करना। तो फ्रेंड्स, सब हमें मिलावो क्लब चलना है, तो चलिए चलते हैं अपने बुलेट पे ही। और मुझे लग रहा है कि ये बेचारा नया गाड़ी खरीद के लाया था। अरे वही हम नाइस बाइक वाला, और मैंने उसकी गाड़ी चुरा ली थी, और उस दिन याद पे रखी थी, तो आज याद से। ओहो यार, हेल्थ भी कम हो गया थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था कि उस याद से फिर मैं गया था दोबारा, और वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी। अरे यार, ये कोई क्रिमिनल ही था, पक्का कोई क्रिमिनल ही था ये, और इन्हीं लोग का साथी था जो लोग अभी मिले थे। रुको, इन्हें बताता हूँ। अबे निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, बताता हूँ तुझे, बाहर निकल, निकल, बट बट। ओ, $50 बोनस मिल गया भाई साहब। बहुत ज़्यादा गुंडे हैं वाइस सिटी में। मैंने अभी बोला ना, तो केन बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये लोग देखिए कैसी गाड़ियाँ लेके चलते हैं यार। मतलब गुंडे हो तो भाई थोड़ी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, गाड़ी थोड़ी फास्टेस्ट होनी चाहिए, कि पुलिस दौड़ा है तो पकड़ना पाए। बट इन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर देखिए, बात करते करते मिलावो क्लब भी आ गया है, और हम मिलावो क्लब पे पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है। भाई केंट पॉल कहाँ मिलेगा।
अरे हाँ सब वहाँ खड़े हैं। तुम कहाँ से आई हो लड़की, मुझे तुम्हारी ऐसे ही किसी चिड़िया की तलाश थी अपने नए एल्बम को बनाने। तुम यहाँ से जाओ लड़की। अरे रुको तो, मुझे केन रोजनबर्ग ने भेजा है। अच्छा ओ केन रोजनबर्ग वो पागल वकील है, उसके चक्कर में तो कोई भी पड़ेगा ना तो वो बर्बाद हो जाएगा। भाई उससे दूर रहो वरना वो तुमको भी बर्बाद कर देगा। मेरा पैसा और ड्रग्स चोरी हो गया है, मुझे इज्जत से बता दे कि किसने किया। ये तो किसी गैंग का काम है और मुझे लगता है कि इसके बारे में तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है। सिंधु के पास जो होटल है ना, वो आदमी चाकू के स्मगलिंग करता है, वहाँ का सिप है और इस समय वो डीलिंग कर रहा है। तो जा मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हाँ जाओ जाओ, देख लूंगा, बहुत देखे तुम्हारे से, रिकॉर्ड दारू बना रहे। तो फ्रेंड्स अभी हम बाहर निकल चुके और हमें चलना है एक डीलिंग के लिए, और मुझे लगता है कि वहाँ पे झगड़ा भी हो सकता है, तो आराम से चलते। और यार यहाँ पे फिर एक स्टेप है, तो चलिए एक बार फिर से स्टंट करते हैं। और वाओ यार कार तो इतनी पावरफुल नहीं थी, बट स्टंट तो काफ़ी तगड़ा हो गया इससे। वाओ इस बार 300 रुपये मिले हैं। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को, अभी इन सब का टाइम नहीं है, अभी हमें चलना है उस स्मगलर को पकड़ना है और स्मगलिंग को रोकना है। तो यहाँ पे है ये स्मगलर, इस गली में है, चलिए आराम से चलते हैं वरना गोलियाँ चला। ओ यहाँ ये अकेला है, चलिए उतरते हैं। अरे लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बात करना तो बात करो, घूरो मत, तब से घूरो को बताता हूँ। उस दिन डीलिंग में तू भी था ना, रुक बताता हूँ तुझे साले, इज्जत से मेरे पैसे और ड्रग्स वापस कर दे। अरे 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 तेरी इतनी हिम्मत, ओ मर गया ये तो। चलिए इसका फ़ोन ले लेते हैं और निकल चलते हैं यहाँ से वरना साला। बहुत अच्छा लगा कि यार तुम तो गजब के फाइटर हो। तुमको भी करनी है क्या फाइट? अरे सुनो तो, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही आदमी है। तो तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा माल और मेरे मरे हुए भाई का। ऐसा होता रहता है यार, निकलो 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 यहाँ से। देखो हम दोनों चाहे तो एक दूसरे की बहुत मदद कर सकते हैं, अगर तुम राजी हो जाओ तो। भाई देखो तुम मेरा देख लो और मैं तुम्हारा देख लूंगा, बहुत आसानी से दोनों का काम हो जाएगा। नहीं, मैं अपना देख लूंगा, तुम निकलो यहाँ से। अगर सच में देख लोगे तो देख के आ जाओ, ये लो पिस्तल और मैं वेट कर। ठीक है लंस, तुम गाड़ी में चलो, मैं अभी आता हूँ इन तीनों को मजा चखा के। आ जाओ सालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सालो, लो 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 कुत्ते। अरे ये तो चाकू मार रहा है, तीन ही लोग थे और इन्हें तो मैंने आराम से मार दिया। तो चलते अब अपने लंस के पास। वैसे ये बंदा काम का है तो मैं सोच रहा हूँ उससे फ्रेंडशिप कर लूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा। बाकी देखते हैं इसका क्या व्यवस्था है, कैसे क्या। अरे वाह इसके पास तो स्पोर्ट्स कार है, चलो मैं ये कार चलाता हूँ। ये तो कहीं जाने के लिए बोल रहा है, कहाँ जाना है भाई? ओ अच्छा 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 अच्छा, यानी कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेंस भाई ये बोल रहे हैं कि हमें अगर बंदूक वगैरह का काम हो तो ये हमें बंदूक दिला सकते हैं। तो बताए हैं कि कहाँ पे बंदूक मिलती है वाइस सिटी में, और बोले हैं कि बंदूक के दुकान पे चलना है, वहाँ पे देखना है कि क्या क्या है एक्चुअली में, और अगर हमारा लड़ाई हो तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो चलिए देख के आते हैं बंदूक। और ये स्पोर्ट्स कार तो बहुत ही तगड़ी चल रही है भाई साहब, इन्फ्लुएंस काम है इस गाड़ी का, बहुत ही तगड़ी। ओ इसका डिग्गी आगे था। तो चलिए हम भी लगभग लगभग पहुँच ही चुके हैं, बस ये पहुँच गए हैं। ओहो नहीं नहीं आगे वाले पे हैं। वाह ये फाउंटेन भी वैसे काफ़ी प्यारा है, अच्छा सर है यार वाइस सिटी। तो ये हम बंदूक की दुकान पे आ रहे हैं और वाह यहाँ तो डिफरेंट टाइप के 8 तरह के वेपन्स हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं। वैसे अभी तो मेरे पास 17 गोलियाँ पिस्टल की पड़ी और बस पिस्टल ही मिलेगा, बाकी सब तो आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो नहीं उतरते हैं गाड़ी पे से, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो लंस भाई क्या करना है, चले या मैं तो बोलता हूँ चलते हैं। तो अब हमें दोबारा होटल की ओर चलना है, तो चलिए होटल की ओर चलते हैं। और
यार वैसे वाइस सिटी में इतना ट्रैफिक नहीं है, बट टू लेन है ना, तो इस वजह से एक्सीडेंट्स तो हैपन होने ही हैं। और वो GTA 5 अगर आप तक तो 5 लेन आ गया, ये पुराना गेम है। ओ नो यार, यहाँ पे स्टार लग गया है। चलिए भाग चलते हैं वरना पुलिस पकड़ लेगा। और यहाँ से एक शॉर्टकट दिख रहा है मुझे, चलिए यहीं से उतार लेता हूँ गाड़ी। अरे यार अब आदमी गेम में बिना इस तरह से गाड़ी चलाए तो क्या मजा है। और देखिए हम लोग एकदम अपने घर मंजिल पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर रेड लाइट है बट फिर भी, और हम आगे तो मैं चलता हूँ, जैसे ही कोई भी क्लू मिलेगा तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है? ओके बाय। और भाई साहब लेंस के पास तो बहुत तगड़ी वाली कार है, तो चलिए यहाँ पे मार देता हूँ 2-4-10 लोगों को, क्योंकि ये गन रखने का कोई फायदा नहीं। अब तो हमें पता चल चुका है कि गन कहाँ से मिलती है इसलिए, और ये चाकू बचा हुआ है, एक लेवल की पुलिस भी लग गई है। तो खैर चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, फिर 2 दिन बाद मिलेंगे। और चलिए टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।